Assalamualaikum दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल Pets Every Vlog। तो इस व्लॉग में आप लोगों को वीडियो का थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा आप लोग किधर जा रहे हैं। मुर्गियों की फीड लेने जा रहे हैं। हम ले थे पिछले बार उनकी फीड, हम लोग अब जा रहे हैं उनकी दो तीन बाकी इकट्ठी फीड ले गए मुर्गियों की। हम लोग यहाँ से लेते ना अगर किसी भी दुकान से तो एक्सपेंसिव पड़ती है। हम बाजार से जाएंगे हुसैनी चौक पे, वहां से हम लोग ले आएंगे होलसेल रेट पे अपनी मुर्गियों की फीड तकरीबन 3 से 4 माह की, ठीक है। और गाइस जिससे कल वाली वीडियो नहीं देखी, जिससे अपने न्यू केज बनाए अपने बिजी जू में, वो लोग आप देख ले। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। और जल्दी से चलते हैं अपने बिजी जू में और रुज़ैफा फ़ज़ान को पिक करते हैं और जल्दी से चलते हैं मुर्गियों की फीड लेने के लिए। चलते हैं जल्दी जल्दी रुज़ैफा फ़ज़ान लोगों के घर मिनी जू में। तो गाइस देख सकते हैं फ़ज़ान भी आ चुका है, हमारा रुज़ैफा भी आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। चलें भी फीड लेने। हाँ जी चले। कितनी लेके आए? 10 किलो बहुत होगी। हाँ जी हाँ जी। निकल जाएगा उनका 2-3 महीने। तो गाइस निकल चुके हैं हम लोगों ने अपनी गली क्रॉस कर ली फीड लेने के लिए। और हम लोग शेल्पम वाली गली में जा रहे हैं, शेल्पम जल्दी जल्दी क्रॉस करते हैं और हम लोग चलते हैं हुसैनी चौक की तरफ। यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे तो शेल्पम क्रॉस हो जाएगा, फिर रोड पे सीधा जाना और सीधा ही वो रोड जाता जाता है हरुणाबाद, वही रोड पर सीधा थोड़ा जाना हुसैनी चौक आएगा, वहाँ पर होल सेल रेट की दुकान है। हम वहाँ से जल्दी जल्दी जाते हैं और पकड़ते हैं अपनी फीड। मैं तो कहता हूँ 10 किलो ले लेंगे मुर्गियों का, अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। तो गाइस चेक कर सकते हैं हम लोग आए हुए हैं दाने वाली दुकान पर। देखें माशाल्लाह ये हमारा दाना हो रहा है, इसमें हम लोगों ने पूरे 3-4 महीनों का, ये देखें कितनी बड़ी दुकान है। ये देखें हो रहा है हमारा बाजरा, देखें इतने हर तरह के दाने हैं, अलग अलग परिंदे तोता अलग दाना खाता है। ये देखें पूरी दुकान में इतने अलग अलग तरह के दाने हैं। और ये बर्तन वगैरह देख सकते हैं परिंदों के लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के परिंदे, कैल्शियम भी पड़ी हुई है ये देखें। तो गाइस हम अपनी गली में पहुंच चुके हैं, ये देखें हमारी गली में एंड पे एक घर है मेरे दोस्त हुज़ैफ़ा का, उनके घर के बाहर ये ईंटें पड़ी थी उनके काम की, नहीं थी उन्होंने गली में रखी हैं, पूछ रहा हूँ उन्होंने सेल करनी है तो हम लोग इधर से ले लेते हैं, वरना तो एक ईंट 22-17 रुपये की है। इधर से देखते हैं हमें सस्ती मिल जाए, क्या पता। और गाइस आप लोगों के लिए एक जू में सरप्राइज़ है, अब हम लोग न्यू केज नहीं बना रहे, हम लोग एक अब बना रहे हैं पाउंड बना रहे हैं, फिश पाउंड और टर्टल पाउंड। क्यों फिजान भाई? जी बिल्कुल पहुँच चुके हैं ता भाई, बाइक ठहरा रहे हैं। तो गाइस जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं, फिजान भाई अपने साथ हैं। तो गाइस सेकंड फ्लोर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जल्दी से थर्ड पे चलते हैं, फिजान भाई तो बहुत जल्दी जल्दी चढ़ते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कल के व्लॉग में हमने पूरी दीवार कंप्लीट की थी, आज हुज़ैफ़ा ने आगे से भी प्लस्तर कर दिया। हुज़ैफ़ा ने आज सुबह सुबह कर दी थी तब मैं नहीं था मीन रूम में, हुज़ैफ़ा ने कम्प्लीट कर दी अली दीवार भी इधर और छोटे आने भी। छोटे यहाँ इतनी सर्दी और आपने शर्ट क्यों नहीं पहनी हुई? गाइस हमारे पास बहुत सारे प्लान है हमारे पाउंड बनाए, और गाइस हम लोग जो पाउंड बना रहे हैं उसमें हमें दोनों तरफ प्लस्तर करना पड़ेगा, मतलब अंदर वाली साइड पे भी कर रहेंगे हम लोग और बाहर वाली साइड पे भी ताकि पानी लीक ना हो। तो गाइस देखें यहाँ से ये दीवार पूरी हमने इस साइड से प्लस्तर की हुई है। और गाइस पाउंड का हम इस तरह ही इरादा है, देखें इधर से लेकर इधर तक हम लोग हाफ पानी हो जाए और हाफ में है ना सैंड हो जाए टर्टल्स के लिए, ये टर्टल्स का पाउंड हो जाए, फिश का हम अलग से एक्वेरियम बनवाएंगे। ये देखें मैं इस तरह का हम सोच रहे हैं कुछ डिज़ाइन। कल के व्लॉग में इंशाल्लाह हमने ईंट का रेट पता किया, ईंट हम ले आएंगे और फिर कल को पाउंड का काम शुरू करेंगे। और ये हमारा दूसरा, फिर 3-4 हो जाएंगे हमारे काम, फिर हम इंशाल्लाह इनको बनवाना भी शुरू करते हैं और नए नए पैट्स लेके आते हैं। और गाइस इस साइड में देख सकते हैं ये हमारे 4 पौधे, और इस साइड में हमारा ये धनिया और ये हमारी गंदुम, ये देखें इतना ज़्यादा हमारे लगा। हुज़ैफ़ा भाई इनको यार पानी दे दो, हुज़ैफ़ा भाई भी ने पाइप लगा दिया, पानी ऑन भी कर लिया, अब पानी आ चुका है। हुज़ैफ़ा भाई इधर पहले पौधों को दे दो, छोटे पौधों को पानी। हुज़ैफ़ा भाई हुज़ैफ़ा ने ये गैदियों को पानी देना शुरू कर दिया यार, ये तो मेरे ख्याल से पहले पानी देना नहीं पड़ेगा इनको, उस पौधे को दे दो आगे इधर आगे की तरफ, और वो छोटे पौधों को हल्का हल्का दो पानी यार, पहले ही बहुत गीले सर्दियाँ ना ज़रा पानी ज़रूरत नहीं पड़ती। और यार दीवार पे मार के दिया करो, वो देखो इस तरह फिर इनकी मिट्टी निकलती है। और इन पौधों को दे दो हमारे प्यारे प्यारे, ये जो पौधे हैं यार, ये जो पौधे हैं ना पता नहीं चल रहा किस चीज़ के हम लिए, हमें प्यारा लगा, इसमें ऊपर कांटे बहुत ज़्यादा हैं। और जल्दी से चलते हैं अपने सेफ्टी रूम में और आपको अपना सेफ्टी रूम दिखाते हैं कि हमारे परिंदे क्या कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे मुर्गियाँ इतना ज़्यादा खाना खाती हैं, आज हम इनकी फीड भी लेके आए हैं। और ये हमारे बजरी तोते ये देख सकते हैं माशाल्लाह। तो गाइस ये देखें आज सारे बजरी तोते एक ही डंडे पे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 एक अलग होके बैठ रही है वो, देखें ये बिल्ली वाली और ये हमारी मुर्गियाँ। और ये हमारी फीड देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फीड है हमारी, 10 किलो, इनके 2-3 महीने तो आराम से गुजर जाएंगे। और यार इनका पानी डेड हुआ हुआ, जल्दी से इनकी खुराक रीफिल करते हैं आज मुर्गियों की। और इन पैरेट्स की तो फुल ही पड़ी है, देखें हुज़ैफ़ा लोग भी पता नहीं पैरेट्स की एक बार डालते हैं इनकी 3-4 दिन चलती है इनकी, रोज़ 2 टाइम फीड हमें चेंज करनी पड़ती है।
तो गाइस ये देखें हमारा जो टेंगू है जिसके हमने पर में चोट नहीं लगी थी, खून निकल रहा था, मुर्गों ने हम लग गया था माशाल्लाह, देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा जख्म है पर बिल्कुल ठीक हो गया है देखें माशाल्लाह, बाकी की तरह फुल एक्टिव है। तो गाइस देख सकते हैं लैफा पानी लगा रहा है सीमट के ऊपर अच्छे से, उसे परली तरफ भी लगा दो अच्छे से डाल दो, जब नया नया प्लास्टर होता है 3-4 बार डालना पड़ता है ताकि प्लास्टर कमज़ोर ना हो, उस वाले प्लास्टर में हम लोग डालते नहीं रहे वो कमज़ोर हो गया, पर इस वाले प्लास्टर में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और गाइस कमेंट करें कि हमें अंदर वाली साइड पे प्लास्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और पाउंड हमें इधर बनाना चाहिए, पाउंड मतलब कल तक को, तो कल को शॉप बंद होंगी, कल को ईंटें नहीं ला सकते, कल को तो है जुमा, और फिर हम लोग कल को तो नहीं परसों हम अपना ये इंशाल्लाह पाउंड का काम भी शुरू करते हैं। सीमेंट देख सकते हैं इतना सारा हमारे पास बचा हुआ है, और ये हमारी रेत इधर की फिजान भाई, और गाइस इनके काम चेक करें इन्होंने रेत भी बोरे में डाल दिया, उधर से उठा के मैं परेशान हो गया, मैंने कहा शायद इसने सारी जफा ने इस पर रेत लगा दी है फेंक दी है, ये हमारे 2 बोरे तैयार हुए पड़े हैं रेत के भी और सीमट के भी। फिजान और जफा भाई आ जाओ यार, हम लोग जल्दी जल्दी रीफिल करें, फीड मुर्गियों की रीफिल करने वाली हो चुकी है, ये थोड़ी गलती पड़ी हुई है 2-3 दिन तो इनकी पुरानी फीड चल जाएगी, इसको भी संभाल लेते हैं हम लोग, और यार वो फीड इनकी पड़ी हुई है, ओ यार मुर्गी देखिए टेंगो बाहर भाग गया यार, इन दोनों को जल्दी अरेस्ट करके हो जाएगा भाई, वो क्यारियाँ खराब कर देंगी। तो गाइस पहले देखें 14 नंबर खुराक में किस तरह करती थी, हमने बाजरा देखें पांचों की पांचों देखें किस तरह माशाल्लाह खा रही हैं बाजरा, आराम आराम से खाओ यार, मुझे तो लगता है एक और बर्तन लाना पड़ेगा कहीं झगड़ने ना लग जाए एक ही बर्तन में खाने के चक्कर में, पर बर्तन खत्म भी सही देखें आधा खत्म भी करिए, इतनी स्पीड में मुर्गियाँ खाती हैं ना माशाल्लाह, और यार थोड़ी 14 नंबर वीडियो डालो, और हमारी यार इनका खाना तो माशाल्लाह हुआ पर इनका कल को डालना पड़ेगा, इनका पानी चेंज कर दो फिजान भाई, और यार मुर्गियों को जफा भाई पानी भी डाल दो इन दोनों चीज़ों का पानी। और गाय ये देखें हमारी थोड़ी बिछी हुई है ना, ये सारी इतनी ज़्यादा बाहर मुर्गियाँ कर देती हैं जब भागती हैं, मैं सोच रहा हूँ इधर एक 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 3 ईंटें लगी हैं 4, उनको हम प्लस्टर कर देते हैं, जैसी गर्मी आएंगी हवा क्रॉस होने लगी है उनको तोड़ देंगे, उनको ईंट के साथ हथौड़ी के साथ तोड़ देंगे, क्यों जैसा फिजान भाई लगाना नहीं इधर 2-3 ईंटें, एक तो हमारी वो हो जाएगी सर्दी नहीं जाएगी, 2 बेनिफिट हमें मिलेंगे ये लगाने से, मुहावरा नहीं एक तीर से 2 शिकार, साथ हमारी तोड़ी भी नहीं बाहर जाएगी और इनको ये सर्दी से भी बची रहेंगी। गाइस हमारा बाजरा बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म यार, इतना ज़्यादा डाला था पता नहीं मुर्गियाँ बड़ी होती है इतना ज़्यादा खाती है यार, रात के लिए इनको 14 नंबर खुराक दे दो, उसको भी अब ख़त्म करना ही है। ठीक है फिलहाल मुजफ्फर भाई मुर्गियों का पानी भी खा लें फिर डाल देना। और गाइस 2-3 दिनों तक हम लोगों ने का काम चलता रहे, बेशक इसका थोड़ा पिंजरे का लेट हो जाए, हम लोग इधर मिट्टी डलवा के पौधे तो शुरू लगे ताकि वो बड़े होना शुरू हो, क्यों फिजान भाई? जी बिल्कुल, हमने कहा क्यारियाँ तो बनाए और इसमें थोड़ी मिट्टी डलेगी, और गाइस पहले हम सोच रहे थे इसको 4x4 का पूरा बनाने पर गाइस अब ये बन नहीं सकती ना, इसमें पहले ऊपर हमने प्लस्टर कर दिया है 2x2 की रहेगी है। वीडियो को हम लोग इधर ही एंड करते हैं, आज की हमारी वीडियो थोड़ी छोटी थी पर आज की वीडियो में हम लोग ले आए हैं अपनी मुर्गियों का बहुत सारा दाना, 3-4 महीने सुकून के गुजर जाएंगे मुर्गियों के जिस तरह ये दाना खाती हैं, शायद 2 महीने चले बड़ी हो गई है ना। और गाइस ब्लॉग का हम इधर ही एंड करते हैं, जो हमारे चैनल पर हमारे चैनल पेट सर्विस ब्लॉग को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, और हमारी वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और कमेंट्स किया करें यार, आप लोग कमेंट नहीं करते मैं पढ़ता हूँ वो कमेंट आप लोगों के। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।